बदलापुर में क्राइम सीन पर पहुंच गई है पुलिस। क्राइम सीन पर एनकाउंटर का रिक्रिएशन होगा। रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब क्राइम सीन पर पहुंच चुकी है जो पुलिस है और एनकाउंटर को रिक्रिएट किया जाएगा। किस तरह से ये एनकाउंटर हुआ इस पर रिक्रिएट होगा। रेप के आरोपी अक्षय का एनकाउंटर हुआ है। राजीव सिंह इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। राजीव, इस एनकाउंटर पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी कई एक्शन लिए जा रहे हैं और अब बताया जा रहा है सीन रिक्रिएट करने पहुंची है पुलिस। तस्वीरें भी दिखाई। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि देर रात ही एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष के पास में ये तस्वीर है इस वक्त, क्योंकि इस इनकाउंटर की चर्चा जो है पूरे देश में हो रही है कि आखिर अक्षय शिंदे का इनकाउंटर जो है क्या एक प्लानिंग थी, सोच समझ कर की गई या फिर एक घटना थी। आप देखिए जो एसआईटी के अधिकारी हैं वो यहाँ स्पॉट पर मौजूद हैं। अभी चंद मिनटों पहले यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी मौजूद थी जो कि थोड़ी दूरी पर आगे जाकर पार्क कर दी गई और एसआईटी के अधिकारी इस पूरे घटनास्थल का पंचनामा कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने पूरे स्पॉट का निरीक्षण किया है कि आखिर गाड़ी जो है सामने की दिशा से आ रही थी। और चूंकि आप ये सड़क देखिए, इस सड़क पर मुंबई और ठाणे को जोड़ने वाली ये सड़क है और नई मुंबई की दिशा से आती है सामने वाली सड़क, इसे मुंबई ठाणे शहर में मुंब्रा बाईपास कहते हैं। और इसके अगर दाहिनी तरफ आप देखिए तो एक पहाड़ी वाला इलाका है। ये पहाड़ी वाले इलाके के बगल में अगर हम रोड की दूसरी साइड देखेंगे तो वो पहाड़ी के नीचे का इलाका है, यानी कि यहाँ पर कोई अगल बगल कोई राहगीर कभी चलता हुआ नजर नहीं आ सकता। ऐसी स्थिति में सिर्फ यहाँ पर लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है और इसी जगह पर इनकाउंटर हुआ। और उसी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर सिर्फ गाड़ियों का मूवमेंट होता है, यहाँ पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, तो क्या पुलिस ने सोच समझकर किसी प्लानिंग के तहत इस इनकाउंटर को अंजाम दिया, क्या पुलिस वालों पर किसी चीज का दबाव था, इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत मायने रखती है। पहली बार ये तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर एसआईटी का गठन करने के बाद में एसआईटी के तमाम जो अधिकारी है वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, जो कि इस इनकाउंटर को कैसे अंजाम दिया गया, ये घटना पूरी कैसे घटित हुई उसको समझने और जानने की कोशिश कर रही है एसआईटी की टीम। जी राजीव, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर एसआईटी को अब तक क्या कुछ और जानकारी मिली है? देखिए जो एसआईटी बनाई गई है उसमें 8 अधिकारी जो हैं शामिल है, जिसमें 2 डीसीपी स्तर के अधिकारी हैं, एक एडिशनल सीपी स्तर का अधिकारी है। आपको बता दें कि एसआईटी ने अभी तक किया क्या, एसआईटी की टीम सबसे पहले यहां पहुंची, ठीक इसी जगह पर जहां पर खड़े हैं यहीं पर उस इनकाउंटर को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद में जो सामने आप एक पोल देख रही हैं जो कि यहां पर दोनों सड़कों के बीच में जो एक पोल लगा है वहां पर पुलिस ने एक मार्किंग की। उसके बाद में ठीक उसके बगल में जो दूसरा ये पोल दिख रहा है यहां पर पुलिस ने एक मार्किंग की, यानी कि कितने दायरे में पूरी घटना घटी उस दायरे को लगभग 20 से 30 मीटर का दोनों पोल के बीच की दूरी है उसको उन्होंने मार्किंग किया। और उसके बाद में अगल बगल यहाँ झाड़ियों में कुछ तलाशी वगैरह ली, उसको नोट डाउन किया। और उसके बाद में जो पुलिस अधिकारी थे वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, अभी भी आपको नजर आएंगे। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से सिविल में नजर आ रहे हैं तमाम पुलिस अधिकारी, कुछ यूनिफॉर्म में भी थी पुलिस अधिकारी। और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब नई मुंबई से पुलिस की टीम वैन में लेकर आ रही थी तो अक्षय शिंदे ने कैसे पुलिस का रिवॉल्वर छीना, कैसे पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की, क्या वैन के अंदर से निकलकर भागने की कोई गुंजाइश बन सकती थी क्या? सर आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ है सर अभी तक? सर आप लोग यहाँ पर आए थे, क्या कुछ हुआ सर यहाँ पर? सर क्या हुआ था, क्या आप लोग ने यहाँ पर पंचनामा किया, क्या किया, घटनास्थल का मुआयना किया, क्या हुआ, क्या पता चला आपको? कुछ नहीं, अभी अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है जी, अभी अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चल रहा है सर, आप लोग क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं बता सकते हम, अभी स्थिति क्या है जांच को लेकर? नहीं चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। बिल्कुल, देखिए पुलिस अधिकारी जो हैं वो बता रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दे सकते हैं, जांच चल रही है। फिलहाल आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से यहां पर आप देखिए पंचनामा करने के बाद में, घटनास्थल का मुआयना करने के बाद में जो एसआईटी के अधिकारी हैं वो जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष के पास में इस वक्त मौजूद है। हम एक बार फिर से उन अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अधिकारी इस वक्त हमें कुछ बताते हैं क्या, क्योंकि अधिकारी इस वक्त बोलने की स्थिति में नहीं है। तमाम अधिकारियों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या जांच में पता चला सर, क्या अभी क्या पता चला है?
ये बिल्कुल देखिए तस्वीरें हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस के साथ में हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जो कह रही है कि अभी जांच चल रही है, अभी इस पूरे मामले में कुछ कह नहीं सकते। ये बयान पुलिस का आया है, उस पुलिस टीम का जो कि इस पूरे मामले को लीड कर रही है इस इनकाउंटर के बाद में। बिल्कुल राजीव, पूरी घटना दिखा रहे हैं जिस जगह पर ये पूरा क्राइम हुआ, जिस जगह पर दरअसल ये मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ, ये मुंब्रा बाईपास का इलाका है जहां पर जो आरोपी है, यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे, वो रिवॉल्वर छीन कर भागने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस की हुई और फिर ये मारा गया है। राजीव, ये जो SIT काम कर रही है इस पूरे मामले पर, इसके जरिए एक बड़े राज से पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो सरकार स्टैंड है वो ये है कि पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में ये गोली चलाई है जो आरोपी के सिर में जाकर लगी है। बिल्कुल देखिए, पुलिस ने बाकायदा एक नोट जारी किया था, हालांकि पुलिस ने कैमरे पर अभी तक थाने पुलिस की तरफ से बयान नहीं दिया गया। इस पूरे मामले में थाने के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की है, क्योंकि पुलिस की जान पर बनाई थी एक API स्तर यानी कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर, नीलेश मोरे उस इंस्पेक्टर का नाम था, उसकी रिवॉल्वर छीन कर 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें नीलेश मोरे के पैर पर भी गोली लगी है। और उसके बाद में जो दूसरा इंस्पेक्टर था जो कि उसी वैन में मौजूद था, उसने जवाबी फायरिंग की जिसमें अक्षय शिंदे को गोली लगी, जिसके बाद में अक्षय शिंदे को घायल अवस्था में जी। तो बदलापुर एनकाउंटर वाली जगह पर TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। राजीव पल पल की अपडेट इस वक्त हमें बता रहे हैं। राजीव ने बात करने की कोशिश की SIT की टीम से और कहा गया SIT के जरिए अभी जांच चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये कहा गया पुलिस अधिकारी से जब बात की गई। और राजीव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। राजीव, हम तस्वीरें भी वो बस की दिखा रहे हैं जब जहां से एनकाउंटर किया गया, जहां से जब ये मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन जो आरोपी रहा उसने कैसे भागने की कोशिश की, एक बार फिर से आप पूरा घटनाक्रम समझाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल देखिए, ये जो पूरा इलाका है, इस रोड को मुंब्रा बाईपास कहा जाता है, जो कि नई मुंबई से ये सड़क आती है, ठाणे और मुंबई को कनेक्ट करती है। लेकिन विषय यह है कि ये इस सड़क के दोनों तरफ कोई रिहायशी बस्ती नहीं है, कोई बाजार नहीं है। ऐसे में यहाँ पर इनकाउंटर हुआ, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, उसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर में यहाँ पर जो घटना जो घटित हुई है, क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई थियरी है, इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश है क्या, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन विषय यह है कि पुलिस जो कहानी बता रही है उसमें कितना दम है, इसके लिए SIT का गठन किया गया। तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, जिस SIT की टीम जो कि स्पॉट पर यहां पर मुआयना कर रही थी, अब वो थोड़ी दूरी आगे पर आ गई है और यहां पर आगे की भी जांच कर रही है, वहां पर भी आप देखिए पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और पूरे घटनास्थल को जो है समझने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले पुलिस अधिकारियों की टीम ने लगभग 20 से 30 मीटर के दायरे को सर्कल में लिया और वहां पर मार्किंग भी की। अब देखिए, यहां पर जो पुलिस की टीम थी, जो SIT की टीम, वो दूसरी जगह पर पहुंची है, यानी कि घटनास्थल से लगभग 80 से 100 मीटर की दूरी पर। यहां पर भी पुलिस अधिकारी के जो हैं वो सड़क के दोनों तरफ जो हैं यहां पर मुआयना कर रहे हैं, जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में ये पूरी घटना कैसे हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक वैन के अंदर एक आरोपी को लेकर जाया जा रहा था, क्या आरोपी के हाथ बंधे हुए नहीं थे, वो इस वजह से आरोपी ने जो है रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और वो सफल भी हुआ और उसके बाद में उसने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग भी कर दी, लेकिन सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने उसे मार गिराया। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, उसी इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश जो है SIT के द्वारा किया जा रहा है। आप देखिए इस घटनास्थल को, क्योंकि यहां पर अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो अधिकारी हैं वो यहां पर इस पूरी घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और सर, आप लोग अभी क्या क्या इंक्वायरी कर रहे हैं? मैं नहीं था। एक लाइन बता दीजिए, क्या इंक्वायरी कर रहे हैं? ये स्पॉट पंचनामा चल रहा है। अच्छा, कुछ ये एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ, अभी तो समय लगेगा, लेकिन गाड़ी के अंदर हुआ ये बात कही जा रही ना, बाहर तो हुआ नहीं है? बाहर नहीं हुआ, गाड़ी के अंदर हुआ। गाड़ी के अंदर। बिल्कुल देखिए, ये वो पुलिस अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं और पहली बार किसी पुलिस अधिकारी ने किसी चैनल के ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर बात कही है कि गाड़ी के अंदर इनकाउंटर हुआ है, यानी कि अक्षय शिंदे जो कि पुलिस वैन में मौजूद था वो पुलिस की रिवॉल्वर छीनता जरूर है, पुलिस पर फायरिंग करता है और
हो सकता है कि उसकी आगे की कोई मंशा रही होगी कि पुलिस वालों पर फायरिंग करके वो वैन का दरवाजा खोलकर भागने की फिराक में हो, ऐसी एक संभावना हो सकती है, या फिर वो खुद अपने ऊपर भी पुलिस को फायरिंग करने के बाद में खुद को मारने की जो एक कोशिश, जो पहली बार खबर आई थी, यही कहा गया था कि अक्षय सिंधे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। एसआईटी की टीम से जब बात कर रहे थे तो पुलिस अफसर ने कहा, TV9 भारतवर्ष से उन्होंने कहा कि एनकाउंटर जो हुआ है वो बस के वैन के अंदर हुई है फायरिंग, और एनकाउंटर अंदर हुआ है वैन के, जो बस थी जिसमें लेकर जाया जा रहा था आरोपी को। ये बस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो एक वैन है ये इसी तरह की कुछ बस रही जो हम इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, और इसी बस के अंदर यानी वैन के अंदर फायरिंग हुई है। ये राजीव सिंह जब बात कर रहे थे पुलिस अफसर से तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि बाहर मुठभेड़ नहीं हुई है राजीव। एक बड़ा खुलासा किया गया एसआईटी टीम के जरिए, जो सदस्य वहां पर मौजूद हैं, कि बस के अंदर वैन के अंदर फायरिंग हुई। बिल्कुल, अगर वैन के अंदर फायरिंग हुई तो फिर अक्षय सिंधे की मंशा को लेकर भी आने वाले दिनों में सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जब किसी भी कैदी को, किसी भी आरोपी को वैन के अंदर लेकर जाया जाता है तो अमूमन जो वैन की का डोर होता है उसे लॉक करके रखा जाता है, कड़ी लगा दिया जाता है, और अधिकारी अंदर मौजूद होते हैं, कर्मचारी अंदर मौजूद होते हैं। तो सवाल यह था कि अगर अक्षय सिंधे अंदर था, वैन लॉक था, तो क्या उसके हाथ में कोई हथकड़ी नहीं थी? अगर हाथ में हथकड़ी नहीं थी तो क्या यह लापरवाही, किसी नेग्लिजेंस के तौर पर इसको मान सकते हैं क्या? अगर हथकड़ी थी तो क्या हथकड़ी खोलकर उसने रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की, या फिर हाथ खुले हुए थे, इस दरमियान उसने उस बंद वैन के अंदर पुलिस अधिकारी के पास से रिवॉल्वर छीन ली और उसके बाद में पुलिस अधिकारियों को टारगेट किया, उन पर 3 राउंड फायरिंग की। लेकिन यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक सिर्फ इनकाउंटर की बात कही जा रही थी, इनकाउंटर हुआ, लेकिन इनकाउंटर कैसे हुआ, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, सड़क पर हुआ, हाईवे पर हुआ, या वैन के अंदर हुआ? एक बड़ा खुलासा TV9 भारत वर्ष पर इस जांच से जुड़े हुए अधिकारी ने साफ तौर पर की, जो इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद है। एक बार फिर से इन अधिकारियों की टीम को आप दिखा देते हैं। आप देखिए, ये वो अधिकारी हैं जो इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद है, और इन्होंने TV9 भारत वर्ष को इस बात की पुष्टि की है बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कि वैन के अंदर ये इनकाउंटर हुआ है, यानी कि अक्षय सिंधे ने वैन के अंदर ही पुलिस अधिकारी से रिवॉल्वर छीना और उसके बाद में पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की, और हो सकता है कि उसकी आगे की कोई मंशा रही होगी कि पुलिस अधिकारियों को मार दे, घायल कर दे। राजीव, मैं आ रही हूं आपके पास, एक तस्वीर राजीव सिंह इस वक्त बता रहे हैं, एक एक बड़ा खुलासा राजीव सिंह इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस एनकाउंटर को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है महाराष्ट्र में, आपको सुनाते हैं सरकार और विपक्ष का क्या कुछ कहना है। हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का RSS और BJP का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या? ये शंका सबके मन में है, और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये घटना ऐसी घटना ना हो। पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को, बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है, और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे, और उस दरमियान उसने API नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये। तो इस एनकाउंटर पर महाराष्ट्र में सरकार का क्या कुछ कहना है आपने सुना, और साथ ही विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन बदलापुर एनकाउंटर पर पुलिस की थ्योरी क्या सामने आई है, आइए आपको और ज्यादा तफसील में जानकारी देते हैं। तलोजा जेल से पुलिस के साथ जा रहा था आरोपी अक्षय, यौन शोषण का आरोपी। शाम करीब 5:30 बजे पुलिस ने हिरासत में लिया। एक एक डिटेल आपको बता रहे हैं। शाम 6:15 बजे पुलिस की गाड़ी मुम्ब्रा बाईपास पहुंची, और उसके बाद अक्षय, जो आरोपी अक्षय, ने पुलिस अफसर नीलेश मोरे की रिवॉल्वर वैन के अंदर से खींच ली, और आरोपी अक्षय ने पुलिस दस्ते पर 3 राउंड फायरिंग की। वैन में ही ये सब कुछ हुआ। पुलिस अफसर नीलेश मोरे, संजय शिंदे को गोली लगी, दोनों वहीं घायल हुए, और उसके बाद सेल्फ डिफेंस में जो बाकी पुलिसकर्मी थे, पुलिस ने आरोपी पर
फायरिंग की है और फिर आरोपी के सिर में गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में अक्षय शिंदे घायल हो गया जो जानकारी मिली। और दसवीं बड़ी बात, कलवा के अस्पताल में फिर जब अक्षय शिंदे को रेफर किया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो ये पूरी जो घटना हुई, ये जो पूरा एनकाउंटर हुआ, ये पुलिस वैन के भीतर हुआ है। और हमारे साथ राजीव लगातार बने हुए हैं। राजीव, 10 बातों के जरिए लगातार हम इस पूरे मामले पर टाइमलाइन बता रहे हैं, पुलिस की थ्योरी क्या है वो भी बता रहे हैं, घटनाक्रम को लेकर पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट भी कर रही है, लेकिन विपक्ष कड़े सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है, चाहे कांग्रेस हो या जो शिंदे हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, वो ये कह रहे हैं कि आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दरअसल जब पूरी घटना हुई थी और जिस तरह से इस पूरे मामले की FIR दर्ज करने में देरी की गई, उसके बाद में आम वो जो अभिभावक थे वो सड़क पर उतर आए, उसके बाद में उन्होंने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया और उसी दिन रेलवे ट्रैक को बदलापुर रेलवे स्टेशन पर जाम कर दिया गया। उसके बाद में ये इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद में ये कह दिया गया कि दरअसल इस पूरे मामले में लापरवाही बरती जा रही है, पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। और तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं, पंचनामा कर रहे हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई। लेकिन हम जो बात आपको बता रहे थे कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस विपक्ष के सवाल उठाने की वजह यही है क्योंकि अभी तक इस स्कूल का जो डायरेक्टर है, जो संचालक है, उसे अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में SIT का गठन तब भी किया, माफ कीजिएगा, SIT का गठन तब भी किया गया था जो कि महाराष्ट्र की एक टॉप IPS है आरती सिंह, जो इस पूरे मामले को लीड कर रही थी, जांच कर रही थी, लेकिन संचालक को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब यही सवाल विपक्ष उठा रहा है क्योंकि एक बड़े संगठन से जुड़े हुआ स्कूल है और इसी वजह से संचालक को क्या बचाने के लिए इस पूरे मामले में आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया, क्या उस संचालक को बचाने की मंशा है सरकार की, इस तरह के तमाम सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो जानकारी है, जो टाइमलाइन हमारे पास में है कि किस तरह से 5:15 बजे के आसपास में तलोजा जेल से कस्टडी मिलती है और तलोजा जेल से मुमरा बाईपास की जो दूरी है, मुमरा बाईपास की दूरी 18 से 20 किलोमीटर की है, वहां से निकलने के बाद में 6:30 बजे के दरमियान में मुमरा बाईपास में जब पुलिस की टीम यहां पर पहुंची, तो यहां पर पहुंचने के बाद में पुलिस की टीम ने जो है जब यहां पर ये बताया कि किस तरह से अक्षय शिंदे ने उनकी रिवॉल्वर छीनी और रिवॉल्वर छीनने के बाद में वैन के अंदर ही उन पर फायरिंग कर दी, यानी कि पुलिस अधिकारियों को भी ये कहने सुनने और समझने का मौका नहीं मिला कि वो अक्षय शिंदे से कोई बात कर पाते, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी बता रहे कि वैन के अंदर ही पुलिस पर फायरिंग की गई, वैन के अंदर ही सेल्फ डिफेंस में एनकाउंटर हुआ, यानी कि कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। ये जो सड़क है, इस सड़क पर भी जो तस्वीरें हैं, वो उन तस्वीरों को भी अगर हम देखें तो यहां अगल बगल में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं हो सकता। इस तरफ आप देखिए पहाड़ियां हैं, आपको दिखा दिए पहाड़ी वाला इलाका है, ठीक उसके बगल में पहाड़ी के नीचे का इलाका है, ऐसे में यहाँ कोई आम राहगीर आता जाता नहीं है, इसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है थी, और इसीलिए पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर बात है कि जब कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, गाड़ी के अंदर इनकाउंटर हुआ, कोई विटनेस नहीं है, जो विटनेस है, जो शिकायत करता है, सबसे बड़ा सवाल राजीव यही है कि जब कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, विटनेस नहीं है। जी राजीव, जैसा कि आप बता रहे, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी या विटनेस नहीं है इस मामले में, तभी विपक्ष कड़े सवाल खड़े कर रहा है और एक और एनकाउंटर सवालों के घेरे में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव ये तस्वीरें दिखाने के लिए, महत्वपूर्ण तस्वीरें राजीव सिंह दिखा रहे थे मुंबा बाईपास से, जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, मामला कुशीनगर से जुड़ा हुआ है, जाली नोट हथियार ऑपरेशन कुशीनगर। जी हाँ, कुशीनगर में फर्जी नोट के बड़े गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी नोट कारोबार में शामिल 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि SP नेता गैंग में शामिल है और लाखों के फर्जी नोट और अवैध हथियार मिले हैं। आरोपियों के नेपाल कनेक्शन पर भी खुलासा हो रहा है। तो एक बड़ा क्रैकडाउन है इस पूरे मामले पर, जाली नोटों के कारोबार पर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन, एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ है। आरोपियों के नेपाल कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए नोटों के बंडल ही बंडल दिखाई दे रहे हैं, बक्से बक्से जाली नोटों के दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा खुलासा किया है। और ये देखिए, ये विस्फोटक भी बरामद हुए, सुतली बम भी बरामद हुआ है इनके पास से, जिनकी गिरफ्तारी हुई है 10 आरोपियों की। और इसके अलावा नेपाली मुद्रा
नेपाली मुद्रा भी बरामद हुई है, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये जाली नोटों का कारोबार, अपराध से जो धन अर्जित हुआ है, ये सब धन डिस्प्ले में दिखाया गया है। ये जो जो चीज़ें बरामद हुई हैं आरोपियों के पास से, वो सब डिस्प्ले में दिखाई गई हैं। ये पुलिस के की तरफ से जो अवैध हथियार हैं, अवैध शस्त्र हैं, वो भी दिखाए गए, जाली नोट दिखाए जा रहे हैं। ये एरो के सारे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके अलावा हम ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक और तस्वीर देखिए, ये आरोपी देखिए हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए आरोपी दिखाई दे रहे हैं, व्हीलचेयर पर लेकर आया जा रहा है आरोपियों को, और ये हाथ जोड़कर दिखाई दे रहे हैं। वहां आप दूसरी तस्वीर हमने दिखाई नेपाल की करेंसी और कैसे विस्फोटक भी बरामद हुए हैं, वो भी आपने देखा। अपराध में इस्तेमाल जो मोबाइल है उसे भी डिस्प्ले किया गया, अवैध कारतूस बरामद किए गए हैं, इलीगल हथियार बरामद किए गए हैं, और पुलिस ने ये सब कुछ बताया। पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये जो छापेमारी हुई और जाली नोटों का कारोबार सामने आया है, पुलिस क्या कुछ कह रही है आपको सुनाते हैं। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो अवैध असला है, इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के ये सभी चीजें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है, और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। इस गैंग को पकड़ के भारी बरामदगी के साथ में इनको जेल भेजा जा रहा है। और इस बीच एक और खुलासा हुआ है, फर्जी नोट केस में एसपी नेता कनेक्शन पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी बोल रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, बीजेपी ने वार किया है, हर अवैध काम में एसपी नेता का नाम आ रहा है। किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका नाम आया है वो अपनी निष्पक्षता में, सफाई में जो तथ्य रखेगा उसका पुलिस संज्ञान ले, जो जितना दोषी उस पर कार्रवाई हो। कानून को अपना काम करना चाहिए, जिसका जितना गलती है उस पर उतनी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। और हम लोग भी उन्हीं विषयों पे मांग उठाते हैं जहां हमको सूचना होती है कि गलत कार्रवाई हो रही है। इस केस के तथ्यों का भी हम लोग पता करेंगे। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। उदयवीर सिंह को आपने सुना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही ओपी राजभर को भी आपने सुना। हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़ गए। पंकज जी, इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज हो गई है, जैसे ही बीजेपी को ये पता लगा है कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता से तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ये जो सुल्तानपुर में डकैती हुई है, उसमें जो एनकाउंटर हुआ, उसमें यूपी सरकार, एसटीएफ सब घिरी थी, समाजवादी पार्टी लगातार हमले कर रही थी, मंगेश यादव और फिर अनुज प्रताप के एनकाउंटर पर। ये जो कुशीनगर की घटना है उससे लगा बीजेपी को कि जिसमें समाजवादी पार्टी के दो नेता हैं, जो 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें एक समाजवादी पार्टी के लोहिया वानी का राष्ट्रीय सचिव है, जिसका नाम मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू है, और दूसरा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का सचिव है, उसका नाम है नौशाद, और ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद से बीजेपी को मौका मिल गया है कि ये बताने और जताने के लिए कि समाजवादी पार्टी के नेता आखिर कर क्या रहे, क्योंकि इन पर जो आरोप है वो संगीन आरोप है। बिहार और नेपाल बॉर्डर पर, और बिहार के जो ये गोपालगंज जिला है, सिवान जिला है, यूपी का कुशीनगर, ये नेपाल के रास्ते फेक करेंसी लाते थे और इन ज़िलों में उसी फेक करेंसी को उसको खपाते थे, फिर ज़मीन की खरीद बिक्री जो आपने एसपी संतोष मिश्रा को सुना है। तो इसीलिए एक पॉलिटिकल मूव मिल गया है, मौका मिल गया है बीजेपी को समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज झा, बता रहे थे कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के तार जुड़ते हुए दिखाई दिए नकली नोटों के मामले में, जाली नोटों के मामले में, तो बीजेपी ने घेरने की कोशिश की है और इस मामले पर सियासत बढ़ गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन घोटाले में सिद्धारमैया पर केस चलेगा, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को राहत नहीं है। आपको बता दें कि इस केस में सिद्धारमैया की अर्जी खारिज हो गई है, हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया की अपील खारिज कर दी है। तो जमीन विवाद का ये मामला
जिसमें करप्शन का ये मामला था, लेकिन सिद्धारमैया की जो अर्जी है कोर्ट की तरफ से खारिज हो गई है। अब इस मामले पर सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलेगा, जो जानकारी मिल रही है। हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया की अपील खारिज कर दी है। क्या कुछ कहा है हाईकोर्ट की तरफ से, हमारे साथ इस वक्त पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पीयूष, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपील खारिज करते हुए? बिल्कुल निजी, देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है, और याचिका में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल जो है थावरचंद गहलोत उनकी ओर से मंजूरी दी गई थी, जो अभियोग चलाने के लिए उसको चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि आपकी याचिका का आधार नहीं है। और ऐसी स्थिति में इस मामले में जो राज्यपाल की ओर से अभियोग चलाने की मंजूरी दी गई है वो उचित है और इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में 12 सितंबर को अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज सिद्धारमैया की याचिका को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है और अब उनके खिलाफ अभियोग चलेगा, जिसकी मंजूरी राज्यपाल थावरचंद गहलोत की ओर से दी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष ये समझाने के लिए। ये मामला क्या था और कोर्ट ने अब उनकी अपील खारिज क्यों की है, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से सामने रखा गया है। ये जमीन घोटाले से जुड़ा मामला है और इस मामले में अब उनके खिलाफ अभियोग चलेगा। वकील की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस केस में, आइए आपको सुनवाते हैं। The summary of the judgment would be that the facts envisaged in the complaint would undoubtedly warrant investigation, firstly. And secondly, the act of the complainant seeking approval from His Excellency the Honorable Governor of Karnataka is lawful and there are absolutely no infirmities in connection to the same. तो इस मामले में एक बहुत बड़ा झटका लगा है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, एक बड़ी खबर सूरत में रेलवे ट्रैक पर रची गई साजिश से जुड़ी हुई है। सूरत में ट्रेन को डिरेल कराने की साजिश का खुलासा हुआ और पुलिस ने साजिश में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कामयाबी मिली है। तीनों आरोपी रेलवे के ही कर्मचारी हैं। प्रमोशन पाने के लिए रेलवे कर्मचारियों ने दरअसल ये साजिश रची थी। तो आरोपी गिरफ्त में आ गए हैं, एक बड़ी कामयाबी मिली है सूरत में, जो कि ट्रेन डिरेल कराने की साजिश रची गई और इस तरह ट्रेन पर ये जो फिश प्लेट आप देख रहे हैं खुली हुई मिली, उसके बाद ये पूरी साजिश की आशंका रही। अब इस मामले में तीन गिरफ्तारी हुई है, तीन रेलवे के ही कर्मचारी हैं। दो तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं पुलिस की गिरफ्त में कैसे गुनहगार आ गए हैं, और वो साजिश जो उन्होंने 21 सितंबर को रची थी रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट खोलकर ट्रैक के ऊपर रखी गई। इस वारदात में रेलवे के ही तीन कर्मचारी शामिल थे। जब मामले की जांच हुई तो तीनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल भी किया है। शुभम, तीनों ने कन्फेस किया कि प्रसिद्धि के लिए और इनाम के लिए तथा जो नाइट पेट्रोलिंग चल रही है वो अभी बंद होने वाली है, तो वो थोड़ा नाइट पेट्रोलिंग ज़्यादा चले ताकि इनको डे का ऑफ भी मिल पाए। इन दो मोटिव के चलते इन्होंने ही खुद ये पैडलॉक और ये फिश प्लेट निकाला। घटना से जुड़े हुए, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए और पब्लिक सेफ्टी से जुड़े हुए और भी जो जो सारे एंगल हैं उन सब पे भी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूरा घटना का रिकंस्ट्रक्शन करके आगे की कार्यवाही करेगी। और आइए आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसकी डिटेल में जानकारी देते हैं। 21 सितंबर को दरअसल सूरत में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन को डिरेल कराने की साजिश रची गई। रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट खोलकर ट्रैक पर रखी गई और पुलिस ने जांच के लिए 16 टीम इस मामले में गठित की थी। जांच पड़ताल के लिए NIA, गुजरात ATS और अन्य एजेंसियों ने इसकी जाँच की। रेलवे के तीन कर्मचारी ही इस पूरी साजिश में शामिल रहे, सुभाष कुमार पोदार, मनीष कुमार मिस्त्री और शुभम जायसवाल इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। जिन आरोपियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तीनों आरोपियों पर ट्रैकमैन के तौर पर ट्रैक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी रही। इन लोगों ने ज्यादा पैसा कमाने और रात में गश्त जारी रखने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था और ये साजिश रची थी।
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको मुंबई से खबर दिखाते हैं जहां प्रसाद में चूहे का वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर से जुड़ा हुआ है और वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लड्डू वाले प्रसाद में चूहे दिख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, चूहे दिख रहे हैं इस लड्डू वाले प्रसाद में। ऐसे में प्रसाद की साफ सफाई पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये वायरल वीडियो है जो सामने आया है, बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है ये वीडियो मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर से जुड़ा हुआ है। और सिद्धि विनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने वायरल वीडियो पर बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वीडियो हमारे मंदिर का नहीं है, हम इस मामले की शिकायत पुलिस से कर रहे हैं, हम भी पूरे मामले की जांच करेंगे। हमारे यहां प्रसाद काफी शुद्धता से बनाया जाता है। पिछले दो दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो में ऐसे कुछ प्लास्टिक में बंद हुआ कोई चीज दिख रहा है, वो कहाँ का है क्या है वो आज तो नहीं समझ रहा है, हम लोग उसका जांच कर रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ नहीं दिखेगी या नहीं रहेगी, इसलिए कि हम लोग बहुत नीट क्लीन रखने का कोशिश करते हैं, और इसलिए हम लोग आज तो यही बोलेंगे कि भाई ये यहाँ का है ही नहीं, 100% जांच करेंगे। आज से ये जांच चालू होगा, जहाँ भी इस ढंग का, पहला तो ये देखना पड़ेगा कि वहाँ कहाँ की है, वो आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करेंगे और ये सारा जांच हम लोग करेंगे। रवि किशन पर समाजवादी पार्टी का बयान भी सामने आया, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। रवि किशन की ओर से उदयवीर का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बयान सामने आया है कि रवि किशन भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद रवि किशन तथ्यहीन बातें, समाज को भड़काने वाली, लोगों की आस्था पे चोट करने वाली, बच्चों को गलत दिशा में ले जाने वाली बातों को भाषण दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में मटन और बीफ पीस के लड्डू बनाए जा रहे थे, और इस तरह की का बयान बहुत ही निंदनीय है। वो लगातार कह रहे हैं कि वहाँ नॉन हिंदू मंदिर चला रहे थे, ये बिल्कुल तथ्यहीन बातें हैं कि इस तरह की दुर्भावनापूर्ण द्वेष फैलाने वाली बातें करने वाले व्यक्ति पे पुलिस को मुकदमा लेके कार्रवाई करनी ही चाहिए। तो सलाह रहेगी कि तिरुपति ट्रस्ट के लोगों को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है, नाम लेके बोल रहा है ट्रस्ट मंदिर का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के उदयपुर में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। वन विभाग और सेना ने साझा ऑपरेशन में पकड़ा है तेंदुए को। उदयपुर के छाली गांव के लोगों में अब खुशी का माहौल है, क्योंकि बहुत ज्यादा दहशत थी। 5 दिन से लगातार इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था, ऑपरेशन आदमखोर। अब तक आदमखोर तेंदुए ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया था। तो ये देखिए जो पिंजरा हम आपको दिखा रहे हैं, इसी में ही पकड़ा गया है तेंदुआ। एक बड़ी कामयाबी मिली है वन विभाग की टीम को, और उदयपुर में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आदमखोर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। 5 दिनों से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा था। और आइए अब आपको डिटेल में बताते हैं, आखिर ये जो तेंदुआ है आदमखोर कैसे पकड़ा गया। उदयपुर का आदमखोर तेंदुआ पकड़ा जा चुका है, 5 दिन तक तलाशी ली जा रही थी। 1 महीने से ज्यादा आतंक मचाया हुआ था इस तेंदुए ने, उदयपुर का आदमखोर तेंदुआ। आपको बता दें कि 4 ड्रोन कैमरे से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वन विभाग का यह ऑपरेशन आगे बढ़ा, सेना की भी मदद ली गई इस ऑपरेशन के तहत। 9 पिंजरे लगाए गए थे, कुल मिलाकर तेंदुआ पिंजरे में उसके बाद फंस गया। 1 महीने से ज्यादा आतंक इस वक्त था तेंदुए का, और अब उसे पकड़ा जा चुका है। और अब आपको ठाणे में हंगामे की तस्वीरें दिखाते हैं। ठाणे में AIMIM की रैली में हंगामा हो गया, AIMIM के कार्यकर्ताओं ने हाईवे को जाम कर दिया। AIMIM कार्यकर्ता और पुलिस आपस में भिड़ गए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। MIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने संभाजी नगर से मुंबई तक तिरंगा यात्रा निकाली थी दरअसल, लेकिन पुलिस ने इम्तियाज जलील और उनके समर्थकों को ठाणे में ही रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता भड़क गए और हाईवे को जाम कर दिया। इसी तरह देखिए हजारों की तादाद में MIM के कार्यकर्ता आ गए, पुलिस हाईवे से MIM कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पहुंची, और इस दौरान MIM के कार्यकर्ता और पुलिस आपस में ही भिड़ गए, धक्का मुक्की हो गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
आप तस्वीरों में देख रहे हैं हजारों की भीड़ आती हुई दिख रही है। तिरंगा रैली निकाली गई MIM की तरफ से और उसके बाद कार्यकर्ता हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने जब नियंत्रण करने की कोशिश की तो काफ़ी हंगामा हुआ है पुलिस के साथ। फिर उसके बाद पुलिस को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। और आइए अब आपको बताते हैं कि AIMIM पार्टी की तरफ से तिरंगा रैली क्यों निकाली गई। रामगिरी महाराज ने इस्लाम को लेकर विवादित बयान दिया और महंत रामगिरी महाराज महाराष्ट्र के सरला द्वीप के मठाधीश हैं। उनकी तरफ से जो बयान दिया गया इसका विरोध किया गया तिरंगा रैली के स्वरूप। रामगिरी महाराज के बाद नितेश राणे ने मुसलमानों को धमकी दी। नितेश राणे ने कहा कि 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। नितेश राणे के बयान पर AIMIM ने पलटवार किया। रामगिरी महाराज नितेश राणे के बयान के खिलाफ AIMIM ने रैली निकाली, तिरंगा रैली इसे नाम दिया गया। MIM ने रामगिरी महाराज नितेश राणे पर कार्रवाई की भी मांग की है। आगे बढ़ेंगे, ई कॉमर्स कंपनियों के फर्जी ऑफर पर एक्शन की तैयारी चल रही है। लोक लुभावन ऑफर वाली कंपनियों पर कदम उठाएगी सरकार। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का केस और जुर्माने की तैयारी की जा रही है। दीपावली तक उपभोक्ता मंत्रालय ड्राइव चलाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि किस तरह से ई कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने की कोशिश है, जो अनट्रेड प्रैक्टिसेस आगे बढ़ाते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस आगे बढ़ाते हैं। और इसी पर ही उपभोक्ता मंत्रालय दीपावली तक ये मुहिम चलाएगा, जिसके तहत ये कार्रवाई होगी। और अब आपको समझाते हैं कि आखिर सरकार को ऐसा कदम उठाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा, क्या सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कई कंपनियों पर दरअसल झूठे विज्ञापन देने का आरोप लग गया। प्रोडक्ट को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लोगों को भरोसा दिलाया जाता है कि प्रोडक्ट को प्रभावशाली दिखाया जाता है। विज्ञापन के वादों से उलट होता है प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस, ये सवालों के घेरे में आता है। डिस्काउंट पर भी भ्रमित करने वाली जानकारी दी जाती है लोगों को। त्योहारी सीजन में लोक लुभावन ऑफर्स की बाढ़ सी आ जाती है, लेकिन असल जो प्रोडक्ट होता है उसमें धांधली होती है या धोखेबाजी होती है। इसीलिए उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, एक मुहिम चलाई जा रही है, एक कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि जागरूकता बढ़ सके। और आप हमारे साथ पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। पीयूष, अगर आप इस ड्राइव के बारे में बता पाएं, ये कैंपेन क्या है उपभोक्ता मंत्रालय का। बिल्कुल निधि, देखिए उपभोक्ता मामलों की जो सचिव हैं निधि खरे, उन्होंने हमें बताया कि ई कॉमर्स कंपनियां लोक लुभावन ऑफर देती हैं कि मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट खरीदें और उसके साथ जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो आपको एक रुपए का मिलेगा, लेकिन हकीकत ये होती है कि जब आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और दूसरा प्रोडक्ट एक रुपए में खरीदना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता और बड़ा कोफ्त होता है उपभोक्ता को। तो इन स्थितियों के मद्देनजर उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय निगरानी कर रहा है और दशहरा से दीपावली तक पूरी तरह से निगरानी की जाएगी सटीक तरीके से। साथ ही जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी और ऐसे लोक लुभावन दावों पर शिकंजा कसा जाएगा, खास तौर पर जुर्माना लगाने और मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय कर सकता है। जबकि इस मामले में उपभोक्ता की तरफ से कोई शिकायत की गई है और उनकी ओर से अपील भी की गई है कि उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा बढ़ चल करके इसमें हिस्सा लें और शिकायत करें ताकि सुधार आ सके और ई कॉमर्स कंपनियां ऐसे भविष्य में दावे नहीं करें। जी निधि, बिल्कुल, उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए, उनके फायदे के लिए एक बड़ी ड्राइव चलाई जाएगी, एक मुहिम चलाई जाएगी। और TV9 ने उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे से बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की सचिव निधि खरे जी साथ में। निधि मैम, जो हेल्थ वॉशिंग वाला इशू है उस पर अभी तक क्या एक्शन लिया गया है और अब उसमें आगे किस तरह से बात बढ़ रही है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, खास करके जो इस तरह के अपने इंग्रेडिएंट्स, फूड इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार के बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं या बेसिकली विटामिन्स को लेकर के, प्रोटीन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रामक एक तरह से क्लेम्स करते हैं। इवन लेबलिंग पर भी वो सही प्रकार से अपनी चीज़ों को जो मैंडेटरी रूप से लिखना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ई कॉमर्स पे भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ से रिलेटेड, वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं
उनमें जो मैंडेटरी रूप से जो ग्राहक को जानकारी देनी चाहिए और उसके बारे में जो एक बहुत ही भ्रामक रूप से फैंटेसाइज करके दिया जाता है, इस पर विभाग को लगता है कि इस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए और कुछ गाइडलाइंस इस पर भी आनी चाहिए। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है जो इसे एग्जामिन करेगी इस इशू को और देखेगी कि इसमें किस प्रकार से एक गाइडलाइंस लाई जा सके। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सुबह कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। दर्शन पूजन के बाद आतिशी ने कहा कि हनुमान जी ने हर संकट में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की रक्षा की है। और ये तस्वीरें जब पहुंची थी आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री हनुमान मंदिर में, तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से, आपको सुनवाते हैं। हनुमान मंदिर में दर्शन किए, हनुमान जी हमारे संकट मोचन रहे हैं। पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर हर तरह के हमले हुए हमारे दुश्मनों द्वारा। उन्होंने कोशिश करी कि हमें तोड़ दें, हमें दबा दें, हमें चुप करा दें, दिल्ली वालों के काम रोक दें, लेकिन हनुमान जी ने हर संकट में आम आदमी पार्टी की रक्षा करी, अरविंद केजरीवाल जी की रक्षा करी, दिल्ली सरकार की रक्षा करी और दिल्ली वालों की रक्षा करी। तो आज हनुमान जी से मैंने एक ही चीज़ मांगी है कि जिस तरह से उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहा है, वैसे ही बना रहे, हम उनके आशीर्वाद के साथ दिल्ली वालों के काम करते रहें।